गाइस एक सरप्राइज और है आपके लिए। हमारी साथ वाली दुकान के साथ में ही एक दुकान और ओपन हो रही है और ये रहेगा आपके लिए सरप्राइज। तो हमारी जो ओपनिंग है वो रहेगी संडे को, तो इस चीज़ के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, गाइज वैशाली भीग गई है बारिश में। ओ माई गॉड, छाता छाता, जल्दी 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 जल्दी। तो गाइज ये देखो वैशाली क्या कर रही है, स्कूल का काम मिला है वैशाली को। स्कूल का काम मिला है तो ये एवनल के बोलती है इसको, एवनल अप, एवनल अप, एवनल अप। तो ये बनाना सीख रही है। नाव बना, नाव बनानी आओ मेरे पे, नहीं नाव नहीं बनानी। देखो गाइज, देखो पहले बच्चे ना ऐसे लगे रहते थे, ठीक है, पहले के बच्चे। मैं भी तो कितनी अच्छी हूँ, ठीक है, मतलब कलर वलर ये सब। और आजकल के तो फोन ना में बड़े रहे हैं। हाँ बन गया बन गया बन गया। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं चांदनी चौक। हम जा रहे हैं चांदनी चौक दोनों बहनें। वैसे तो मेरी बहन ये बोलती है कि तू रहने दे मैं चली जाऊंगी, पर मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं मैं भी चलूंगी क्योंकि मुझे घूमने का मौका मिल जाता है। और ये हम आ गए हैं चांदनी चौक की मार्केट में। तो गाइज जब तक मैं हफ्ते में एक बार घूम ना लूँ मुझे मज़ा नहीं आता। और ये मेरे चांदनी चौक में मिल गई थी एक फ़ैन, बहुत अच्छी सी, थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, साफ दिख नहीं रहा था। ये मेरी बहन ने क्लिपिंग ली थी। और गाइज बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपनी किसी फ़ैन से मिलते हैं और वो हमें देख के इतने खुश होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज ये देखो कितना अच्छा नज़ारा लगता है, नहीं है जैसे बाहर का है, बाहर का सीन लगता है हमें, ये ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कहीं दिल्ली का भी कोई सीन होगा। और ये सीन है हमारा एयरपोर्ट के सामने जो सड़क जा रही है सीधा नजफगढ़ वाली, ये वो सीन है। हमने आते टाइम आप सबका स्वागत हो गया है एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। तो गाइज आज है हमारी जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बुटीक की ओपनिंग। तो खाना पीना चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बस अब रिबन कटिंग। ये लेट हो रहे हैं, अंदर ही आ जाओ, बिजी हो रही है मेरी फ्रेंड। तो गाइज यहाँ मेरी फ्रेंड के हस्बैंड अपने पिताजी का टीका कर रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने रिबन अपने पापा के हाथ से ही कटवाया था, मिलकर बड़े बूढ़े से कटवाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये टीका वीका कर रहे हैं और इनको इतना पता नहीं था कि कैसे क्या करते, तो मैं बता रही थी पीछे से कि ऐसे करो ऐसे। ये सजेशन भी मैंने ही दिया था कि भाई अपने ससुर के हाथ से रिबन कटवाना, बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा फील होगा और तुम्हें भी अच्छा फील होगा। और भाई बहुत अच्छे से ओपनिंग हुई थी दुकान की, और जिसको भी सूट सिलवाने हैं हमारी जो शॉप है उसके साइड में ही बुटीक है, टेलर है, बहुत अच्छा। अगर आसपास के गांव से हो या उजवा गांव से हो तो आप यहां पे सूट सिलवा सकते हो, बहुत ही अच्छे सूट सिलेंगे। और ये मेरी फ्रेंड आशीर्वाद लेते हुए इधर देख, इधर देखो इधर इधर। और गाइज हम फ्री हो गए उसके बाद हम चले गए थे खेतों में अपने बेटे के साथ कि हम यहाँ अपने सूट की प्रमोशन कर लेंगे। तो यहाँ हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई थी, कुछ स्लोमो बनाई थी, कुछ सूट की सिंपल फेस की बनाई थी, क्योंकि सूट की हमें प्रमोशन अच्छा। करनी होती है तो इस वजह से हमने वीडियोस बनाई थी। क्या कर रहा है ये तू? अच्छा अच्छा, सबको गुस्सा दिखा रहा है अपना, अच्छा बच्चा बन जा। तो गाइस कमेंट करके बताना रोज रोज खाने में क्या बनाए। तो गाइस मैं और मम्मी तो इतने बोर हो चुके हैं कि खाने में क्या बनाए समझ ही नहीं आता है। इसे देखो, छोड़ दे गंदा ची, कितना गंदा है। लीव स्कूबी, स्कूबी इज अ गुड बॉय, स्कूबी इज अ गुड बॉय, लीव लीव चट लीव, प्यार की बात ही समझ नहीं आती, छोड़। मुझे पता है कि पकौड़े खा गए ना।
गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तुझे, ले छेड़ूंगी, ले ले ले, गुस्सा दिखाएगा मुझे, इतना बड़ा हो गया तू, ले ले, सुई लगा दे उसके, निकल सुई ला, सुई लगा स्कूबी का, सुई लगी 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 सुई लगी, स्माइल कर दे, चल स्माइल कर, स्माइल स्कूबी, गुड बॉय। तो गाइस ये सूट मम्मी का कैसा लगा कमेंट में शेयर, मम्मी ऐसा नहीं लग रहा जिंदगी बड़ी बोर, आज संडे है ना इस बार मैंने इतना बोर बोर फील हो रहा है बहुत ज्यादा, पता ना क्यों हो रहा है, खाया थी फिर धक्के ओके सोच तो रही थी मैं, पर मैंने सोचा एक ही संडे छुट्टी मिले, संडे सैटरडे घर ही रह गए, खाऊंगी धक्के, ठीक है मैं धक्के खान जाऊं, है धक्के इसे भी इसका अलग चलता है, गाइस मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मम्मी और मेरी रोज इतनी लड़ाई होती है सुबह भी और शाम भी, मैं इतनी थक रही हूँ, मुझे ना दीक्षा का सामान बनाना है खाने का, ओ समझ गई आज बना, तो कोई नहीं और पैसा भपो, पैसा, अरे वो दीक्षा ने कही थी कि मम्मी आप पजामे पहन के देख लेना, अगर आपका थोड़े से टाइट आवे तो इसका मतलब मेरा आ जाएगा, मम्मी आप हाँ बदतमीज के पैर देखिए एक बार, गंदा गंदा कुछ भी ब्लॉग, ए छोरी मां सब दिन की बहुत थक रही हूँ, एक गिलास पानी पिया दे, प्यास लग रही है, पानी पीना है, एक काम करो एक आइडिया है, बैठे बैठे पानी पी सको आप, बताओ सोचो, चाउमीन मोमोज चिली पोटैटो आपका फेवरेट डोसा, आया हूँ मैं पानी पी लो, बना रही है दीक्षा की, मम्मी बना रही है दीक्षा के लिए लड्डू, सारा सामान तैयार हो गया है, बस अभी पीस के एक गोली ने उसने वो उसमें कर दे, इसमें चक्कू से काट दे, इसमें चक्कू छोटा छोटा काटू, हाँ पीस लूंगी फिर मैं, भाई मेरे पे तो कटे भी ना, ये कट जाएगा एक बार, ओ भाई कभी खराब गुड़े दे दिए मम्मी ने, पल्ली में तेज मार के, मैं इतना फोकस ना हो मारता, तो गाइस इनको बोलते हैं मखाने, इनको बोलते हैं काजू, ये अरे गाइस को सब पता है, अभी कोई शहरी पपलू से ना पता हो, सब पता है उसे, यो भी लग रहा है मैंने खराब ही पाऊंगा, उसे माथे मार गई इसे, ऐसे पीछे अंदर की गारंटी ना होती है, क्यों भाई बस अभी यू सही निकल गया है, बाबा भोले की दुआ है, सही है ये पक्का, अगर आपने बाबा भोले का नाम ले लिया तो ना ठीक है, कति ठीक है पक्का, हाँ कति ठीक है, अब इसकी ना छोटी छोटी ना, कैसे छोटी छोटी ले मैं बताऊंगी, छोटी छोटी ना ऐसी करके वो काट दे, काट सैंपल दिखाओ मुझे, देख ऐसे फिर पीस जाएगा, देख ऐसे देख कितने आराम आराम से कटेगी, ठीक है ठीक है, ले यही काम है ना, अरे ऊपर तो जा उतार दे, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैंने सारे ड्राई फ्रूट भीने भून लिए थे और अब मैं चला रही थी मिक्सी में पीसी थी थोड़े थोड़े करके, और हमारा एक जार है ना ख़राब था तो इसलिए मैंने थोड़ा मैनेज किया, जो जूसर वाला जार होता है उसमें मैंने जैसे ये मखाने थे ताज मखाने मैंने वो उसमें पीस लिए थे, जो छोटा जार था उसमें मैंने धीरे धीरे करके किसी में बादाम पीसे और किसी में मैंने काजू पीसे, तो ऐसे एडजस्ट कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं पड़ोस में से कुछ भी चीज़ नहीं लेती, जो मेरे घर में होता ना उसी में ही काम चला लेती हूँ, ना मुझे पसंद के किसी के घर से ये चीज़ मांगना, और हमारे पड़ोस में भी सब ऐसे ही है, ना किसी के घर से कुछ चीज़ नहीं मांगते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मतलब मैंने ये काजू का पेस्ट तैयार कर लिया था, सारी चीज़ मैंने भून ली थी, और फिर मैंने चने भी पीस लिए थे जो भूगड़े होते हैं, वो मैं छालनी में से छान के, ज़्यादा तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे, चने सिर्फ 1 किलो थे, क्योंकि जो मैंने ये बनाया था सिर्फ मुझे बनाना था ड्राई फ्रूट के लड्डू,
कि जो अगर दीक्षा को मैं भेजूँ तो उसको पसंद आए, और उसने बोला था कि मम्मी मुझे कम मीठे के लड्डू भेजना। मैंने कहा ठीक है बेटा तेरे को कम मीठे के भेजूंगी। कुछ हमने अपने लिए बचा लिए थे और कुछ मैंने दीक्षा के लिए तैयार कर दिए थे। उसके लिए मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए थे क्योंकि वो छोटे लड्डू आराम से एक लड्डू खा ली। मैं इतनी थकी हुई थी ना पूरे दिन की, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत हिम्मत जुटाई और मैंने ये सारा काम, मुझे लगा तो आधा तो नहीं कह सकते, पौना घंटा मुझे लगा था ये सब चीज बनाने में। फिर लड्डू में भी थोड़ा टाइम लगा था। मैंने वैशाली को बोला था कि बेटा तू थोड़े लड्डू बनवा दियो, तो बोली कि नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे नाखूनों में भर जाएगा। मैं मगा बेटा ठीक है तू अपनी माँ के राज में तू काचे काट ले, आगे जब तेरा ब्याह होगा ना तो मुझे देना पड़ेगा, तो सारे काम करने पड़ेंगे जिस तरह माँ ने करने पड़े हैं। भाई ससुराल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, कुछ भी हो लेकिन काम तो भाई करना पड़ता है ससुराल में। कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं देखता, अगर ससुराल वाले अच्छे हैं बहुत बढ़िया मिल जाएंगे तो भाई तुम्हारा गुजारा हो जाता है, नहीं तो तुम काम तो तुम्हें करना पड़ता ही है जैसे अब मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अब पहले से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। क्यों? क्योंकि जो मुझे काम करना होता है वो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। हाँ पर यूँ है काम मैं टाइम पे कर लेती हूँ, खाना वाना जैसे सब कुछ टाइम पे होता है हमारे, और ये सारा सब कुछ मैंने पीस पास लिया है। और हमारा स्कूबी का हाल देख लो, बच्चे को भूख लगी है, निन्नी आई है इसको, निन्नी ठीक है अभी पेडिग्री आ रहा है, मोटा मोटा रह गया। मैंने यहाँ यूज़ किया है वीटा का घी, जो हमें सिर्फ वीटा का ही घी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल जो भैंस वाले भी है ना, जो भैंस रखते हैं वो भी नकली घी दे देते हैं, कोई किसी का आज के ज़माने में भरोसा नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कम से कम अपना वीटा का खा लो। भाई लोग तो गाइस हो गया है तैयार, अब इसके में कोरा इसमें माड़ है, ठीक है माड़ भाई सच में स्वाद है, बड़े गरम गरम ही स्वाद लगे, ठंडे ना लगते स्वाद। इतने छोटे छोटे बनाऊंगी, चलो यो ले चल और इसी में बैठ कर बनाऊंगी। के ले चलूं? यो लिया यो बंडी से ज्यादा। उफ, ए वो चला दूसरा बल्ब। वी क्या देख रहा है इसको, वी लड्डू बन रहे हैं। आपको पता है आपकी वीडियो वायरल हुई थी लड्डू वाली, लड्डू खाएगा लड्डू, बिना मीठे के लड्डू बनाऊंगी। नहीं 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 ऐसे टच नहीं, नहीं बेटो चलो नीचे बैठो, बैठ जाओ बैठो, अब की बार जरूर बनाऊंगी अपने बच्चे के लड्डू। तो पिछली बार भी तो बनाए थे पर ज्यादा नहीं दिए थे। स्कूबी बिना मीठे के लड्डू खाएगा, देखो बिना मीठे के तेरे लिए बना रही हूँ मैं सारे लड्डू। पानी आ रहा है, खाएगा ना? हाँ बोल हाँ ऐसे हाँ। अच्छा बच्चा है स्कूबी, ये देखो बैठ, गुड बॉय। ये लड्डू हो गए हैं तैयार, ये कुछ मैंने अपने लिए बना लिए हैं थोड़े, और कुछ ये मैंने बनाए हैं दीक्षा के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में भेज नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा भेजूंगी तो फिर वो ही उतने ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो एक किलो डेढ़ किलो, डेढ़ किलो के करीब भेजूंगी मैं। तो अभी धर देती हूँ मैं इनको थोड़ा फ्रिज में, क्योंकि बाहर चीटी वीटी चढ़ जा, रसोई में ऐसा ही काम हुआ है। तो ठीक है गाइज, तो गाइज मेरे लड्डू कैसे लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। ऐसे ही ब्लॉग तो नहीं, काफी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है मेरा, क्योंकि थोड़ी बिजी लाइफ हो जाती है ना, तो इस चक्कर में मैं नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग डाला है, तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही प्यार दिखाए रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।